अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, आज हम आपको अपनी जावा की एवरी, जो हमने जावा की कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए एवरी बनाई थी, उसकी वर्किंग दिखा रहे हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने शुरू के सीज़न में चंद पेयर छोड़े थे और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 6 to 7 की एवरेज रखी है और ये फर्स्ट सेकंड क्लच के और कुछ बच्चे थर्ड क्लच के भी बाहर आ गए और ये कॉलोनी फुल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद पेयर से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर बॉक्स के अंदर अंडे और बच्चे अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना अपनी वन यूनिट वाली भी जो है ना वर्किंग दिखाएं। हमने कहा एक ज़रा व्यू जो है ना इस कॉलोनी का भी दिखा दें, क्योंकि मौसम ज़रा सर्द है तो हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते इनके अंडों बच्चों से, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा देर छोड़ेंगी तो उनके बच्चे एक्सपायर भी हो जाएंगे ठंड की वजह से। तो हम ज़रा गर्मी का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ आज वेदर चेंज हुआ है, कुछ टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ा है, तो हमने सोचा है कि इसकी चेकिंग भी करें और आपको अपनी वर्किंग भी दिखाएँ। तो नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम आपको अनकरीब तमाम पेयर्स की जो वन यूनिट में लगी हुई है उसकी वर्किंग दिखाने जा रहे हैं। आपकी फुल फरमाइश के ऊपर, आपके पुरजोर इसरार के ऊपर आज हमने अपनी जावा की प्रोडक्शन को आपसे शेयर करने का सोचा है। तो आइए हम आपको अपनी जावा की प्रोडक्शन दिखाते हैं कि हमारी जावा किस प्रोडक्शन में चल रही है इस वक्त। एक पेयर है जो मेरे बहुत अच्छे फास्टर हैं और मैक्सिमम इसमें स्प्लिट बर्ड है, तो मैं इनके नीचे फास्टिंग करा लेता हूँ कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे इनके अपने भी पलवा लेता हूँ। अब जैसे ये माशाल्लाह मेरा पेयर है तो इसने लाइट अगर ऑन होगी तो वो इसमें नज़र आएगा। देखें इसने माशाल्लाह चिक्स जो है ना प्रोड्यूस किए हैं, 5 चिक्स हैं। मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। जब भी हम चिक्स को निकाल रहे होते हैं ज़रा एहतियात करते हैं, बच्चा छोटा होता है। ये माशाल्लाह 3 चिक्स इसने निकाले हैं, अब हम 2 चिक्स इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें एक बच्चा मिला था जो हमने यहाँ रख दिया था ग्रे का, हमने इसमें से एक ही बच्चा निकलवा लिया था और एक बच्चा एक कॉलोनी में निकला था, कभी कभी जोड़े सारे बच्चे नहीं निकलाते। अब देखें ये एक बच्चा है, ये वाइट है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइट बच्चे को जो है उन बच्चों के साथ मैच करेंगे कि क्या ये इन दोनों के साथ मैच करता है। देखें मैच कर रहा है, एक एज के है, ठीक है ना। अब हमने ये बच्चे करके 4 बच्चे कर दिए और अब हम इसके ऊपर यहाँ पर मैंशन कर देंगे कि यहाँ पर अब ये चिक्स 4 हो गए, ठीक है। अब क्योंकि एक बच्चा बाहर से आया, 3 बच्चे इसके अपने थे, तो हमने यहाँ से इसको मिटा के और ये 3C T1C, आज तारीख है गालिबन 25 तारीख 1, ठीक है ना। अब ये 4C हो गए, 19 तारीख के बच्चे निकले हुए थे। इस तरीके से जो है ना अब हम जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हमारा एक बड़ा अच्छा फास्टर जोड़ा है, इसके नीचे क्या प्रोग्रेस है। तो माशाल्लाह हाँ, इसने भी बच्चे निकाल दिए, इसने एक बच्चा अल्बिनो भी निकाला है। तो अब ये अल्बिनो बच्चा जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो छोटा बच्चा जब भी अल्बिनो निकलता है, अच्छा 2 बच्चे निकाले हैं गालिबन अल्बिनो, हाँ 2 बच्चे निकाले, तो 2 बच्चे अल्बिनो निकाले हैं, एक अल्बिनो निकाला है, एक फ़ोन निकाला है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये बच्चे इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती तो इन बच्चों को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने ऊपर जो है ग्रे के नीचे एक बच्चा निकला है, ये बेस्ट फास्टर है मेरा, तो बहुत अच्छे बच्चे पालता है। अब इसका एक बच्चा निकला हुआ है फ्रेश ताज़ा, आह कहाँ चला गया, ये रहा। अब ये इसका एक बच्चा निकला हुआ है फ्रेश, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ फ़िलहाल इसको रखेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे आगे पीछे बच्चों को ट्रांसफ़र करने में। तो ये हमने एक बच्चा कर दिया, अब इसके नीचे 3 बच्चे हो गए, तो ये 3C कर दिया। अब हमने उस जोड़े को जिसने यहाँ 6 बच्चे निकाले थे और 2 पीस वो निकाले थे, तो इस पर हम लिखेंगे ENO SPLIT, इनो स्प्लिट, ताकि हम जब इसकी ब्रीड करा रहे हों तो हमें याद हो कि ये इनो स्प्लिट है। और इसके नीचे से जो हमने बच्चे ट्रांसफ़र किए हैं हम उसको भी मेंशन करेंगे। अब 4 बच्चे इसके नीचे ब्लैक आई हैं, 2 बच्चे इनो ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2C ALB, ठीक है ना, और टिक का निशान और डेट डालेंगे 25 तारीख 1, ताकि हमें याद रहे कि 2 अल्बिनो हम इससे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। यंग जोड़ा फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है, इसने माशाल्लाह 6 बच्चे निकाले। अब इस तरीके से अगर यहाँ आएंगे तो और काफ़ी सारे होंगे, हम क्योंकि वक्त की कमी है और बक्स को बहुत ज़्यादा हम छेड़ नहीं सकते, तो हम सिलेक्टेड जोड़ों की जो है ना प्रोडक्शन। ये अल्बिनो का यंग पेयर है, फर्स्ट ब्रीड की है, इसकी मादा बहुत ज़्यादा केयरिंग है और ये देखें अंदर बैठी हुई है बॉक्स के अंदर, ये नर है बाहर माशाल्लाह से अल्बिनो का, और ये मादा अपने बच्चों पर बैठी हुई है और ये बहुत केयरिंग और बहुत माशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मिंग मादा है। ऐसी मादाएं होनी चाहिए जिनसे जो है ना अच्छे रिजल्ट आएँ, अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों को संभालें, सर्दी के मौसम में भी नहीं और डोसाइल हों,
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नाव, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ने वाली नाव, तो इस किस्म की अगर माएँ आप चूज़ करेंगे और उनसे ब्रीड लेंगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। आप देखें जावा के अंदर इतना अच्छा बिहेवियर किसी बर्ड का नहीं होता कि आपका मालिक जो है ना उनको देखने आया है बच्चों को, और बच्चों के साथ माँ इतनी केयरिंग से बैठी है कि एक सेकेंड को वो तैयार नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अलग हो जाऊँ। और ये अल्बिनो की मादा है जो रेयर म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हसास होती है, लेकिन इतनी केयरिंग मादाएँ बहुत कम होती हैं। ये मेरी बेस्ट परफॉर्मिंग फीमेल है और माशाल्लाह इसने 5-6 चिक्स निकाल रखे हैं, एक दो चिक्स के ट्रांसफर भी किए होंगे आगे पीछे, और ये सब चिक्स को खुद पाल रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि अल्बिनो की फीमेल खुद पाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमने स्टड तैयार किया है वो अपने बच्चे खुद पाल रहा है। इसका मेल माशाल्लाह बाहर बैठा है, वही बड़ा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा जो है ना, और देखें वो फौरन अंदर चला गया जैसे ही हमने उसको जो है ना फीमेल को जो है ना उसको चांस दिया। उसके साथ एक पेयर और लगा हुआ अल्बिनो का, इसने माशाल्लाह जो है ना 5 चिक्स निकाले हुए हैं और ये भी बहुत अच्छी मादा अंदर चली गई और इसने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, और उसके भी जो है ना कोई 3-4 डेज़ के चिक्स जो है ना निकले हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 5-6 चिक्स खालिबन इसने भी जो है ना प्रोड्यूस कर रखे हैं। जावा बहुत अच्छा ब्रीडर है, अगर आप उसकी हेल्थ का, उसकी खुराक का, उसकी जो है ना एटमॉस्फेयर का, वेदर का ख्याल रखें, उसको शावरिंग चाहिए होती है 2-3 दफ़ा दिन के अंदर, आप उसको पानी दें शावर लेने के लिए, उसके अलावा उसको सॉफ्ट फूड चाहिए होता है, आप उसको प्रॉपर सॉफ्ट फूड दें। देखें ये सॉफ्ट फूड हमने इसमें डाला हुआ है, ये सॉफ्ट फूड बनाना भी हम आपको सिखाएंगे कि सॉफ्ट फूड में हम क्या क्या डालते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़ौक्तन आपको अगली वीडियो में सॉफ्ट फूड भी जावा का बनाना सिखाएंगे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। ये हमारा आइडियल सॉफ्ट फूड है, हमने कई तजर्बात के बाद सीखा कि किस किस्म का सॉफ्ट फूड देना चाहिए, तो ये सॉफ्ट फूड हमारे लिए आइडियल रहा। वो साइड जो हमने आपको दिखाई थी वो हमने प्योर पेयर लगाए हुए थे, मतलब अल्बिनो टू अल्बिनो, ग्रे टू ग्रे, वाइट टू वाइट, फॉन टू फॉन। अब हमने यहाँ पर आउट क्रॉस डाले हुए हैं ताकि हमें स्प्लिट बर्ड मिल सकें, हम अगली जनरेशन में उनको यूज़ कर सकें। जैसे अगर आप इस बॉक्स में जाकर देखेंगे तो इसको मैंने अल्बिनो को मेरी टॉप क्वालिटी की मादा ब्लैक फीमेल से जो है ना आउट क्रॉस किया है, ब्लैक मूव की फीमेल है, अल्बिनो का मेल है। अब इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे पास बेस्ट स्प्लिट प्रोड्यूस किए हैं। अब ये स्प्लिट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब इनके स्प्लिट बच्चे निकल आए हैं और देखते हैं कितने बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से, क्योंकि स्प्लिट बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है हर बर्ड का। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5-6 निकाले और ये 5-6 जो हैं ये 5 के 5 ब्लैक आई निकलेंगे, ग्रे निकलेंगे, लेकिन ये अल्बिनो इनो स्प्लिट होंगे और उसमें कुछ वाइट विंग भी निकलेंगे, एक दो के नज़र आ रहे हैं वाइट विंग है। देखें वाइट विंग का निशान अगर आपका कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो देखें हल्की सी इनकी कोने वाइट हैं, ठीक है ना, ये स्प्लिट बर्ड की जो है ना स्पॉट की निशानी होती है, और ये भी वाइट हैं और अक्सर बच्चों के जो है ना कलियाँ वाइट आई हैं, इसका मतलब है ये क्लियर फ्लाइट बच्चे निकलेंगे, और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हम इनको फिर अल्बिनो के बच्चों से क्रॉस करेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ब्लड हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है ना कुछ काम्बो म्यूटेशनों को भी आउट क्रॉस करके, अगर आप देखेंगे अब हमने काफ़ी बच्चे ट्रांसफ़र किए हुए हैं, अगर इस बॉक्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर जो बर्ड लगे हुए हैं उसमें एक बर्ड अल्बिनो है और एक बर्ड फॉन पाइड है, और ये दोनों बर्ड भी हमने पेयर किया है और इनके बच्चे भी ट्रांसफ़र किए हैं और वो भी बच्चे ऊपर वाले केज में पल रहे हैं। आप देखें ये ग्रे के नीचे हमने बच्चे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और बच्चे अभी बॉक्स से निकलने के लिए तैयार हो गए, तो अगर हम उनको ज़रा सा हिलाएंगे तो वो बॉक्स से बाहर आ जाएंगे तो हम देख पाएंगे। ये देखें ये बच्चे निकल आए। अब ये बच्चे जो हैं ये अल्बिनो और फॉन के आउट क्रॉस हैं, इनमें एक पेरेंट अल्बिनो था एक पेरेंट फॉन था, उन्होंने बड़ा कम्बो कलर बनाया। मेरा ख्याल है मुझे ये हाथ में पकड़ के दिखाने पड़ेंगे, ये देखें ये जब हमने इसको अल्बिनो को फॉन से क्रॉस किया तो इसके विंग में वाइट पर आ गया। अब ये इसकी पहचान भी रहेगी कि ये हमारे, अच्छा हर बर्ड में नहीं आया तो अब देखना है कि ये मेल में आया या फीमेल में आया, हम इसको भी चेक करेंगे। अब ये 3 बर्ड उसी जोड़े के हैं जिसमें एक बच्चे को जो है ना वो आया और इसका कलर भी कुछ चेंज हुआ है। देखें आम कलर फ़ोन का देखें कुछ चेंज होता है, इसका कलर कुछ ज़रा अजीब सा मतलब है फ़ोन है, मतलब ये फ़ोन कलर अमूमन नहीं निकलता, इसमें ना ज़रा शेड है, ज़रा कुछ चेंज है। अब देखें ये मोल्ड करके क्या बनता है, ये तो हम उसकी मोल्डिंग का इंतजार करेंगे, तो ये मोल्ड करके क्या बनेंगे तो सही पता चल पाएगा। और ये उसी जोड़े के पेयर है जिसमें पाइड की फीमेल है और उसका मेल है और बड़े हेल्दी निकले हैं टू आउट क्रॉस होने के बाद। अब ये ग्रे के नीचे तैयार हो रहे हैं। ये मेरा अल्बिनो का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है, तीसरा क्लच चल रहा है इसका और इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है 5-7 बच्चों की। हम एक आधा बच्चा आगे पीछे भी कर देते हैं और इसके भी माशाल्लाह बच्चे, एक कैचिंग के मैंने अभी सेपरेट किए हैं और दूसरी इसकी जो है ना क्लच माशाल्लाह अंदर आया हुआ है ज़बरदस्त बच्चों का। और ये भी अल्बिनो टू अल्बिनो ब्रीड होकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये हालांकि स्प्लिटों से प्रोड्यूस किए हुए हैं, इनकी एक जनरेशन स्प्लिट थी, अब ये माशाल्लाह दूसरी जनरेशन है, मैंने अल्बिनो टू अल्बिनो डाला है, सब
तो इस दफ़ा जो है कुछ अल्बिनो टल्बिनो ब्रीड कराएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम फिर उनको स्प्लिटों से ब्रीड कराएंगे। तो ये माशाल्लाह पांच बच्चे भी इसके जो है ना बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये मेरा ग्रे का पेयर है, माशाल्लाह इसने 7 चिक्स निकाले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके नीचे भी जो है ना अक्सर ये इनो स्प्लिट होते हैं, तो माशाल्लाह इनो बच्चा निकलते हैं। एक दो मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, उनको अलग पलवाता हूँ, क्योंकि अगर ग्रे बच्चों के साथ इनो स्प्लिट बच्चे पले हों इनो, तो वो थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। इसके साथ ये भी मेरा बेस्ट ग्रे का पेयर है, इसने माशाल्लाह 7 चिक्स निकाले हुए हैं, और ये भी ज़बरदस्त परफॉर्मिंग पेयर है, और इसने दोबारा भी अंडे फर्टाइल लगा दिए हैं, तो आज इनके बच्चों की कैचिंग भी करेंगे। माशाल्लाह मेरा ग्रे का पेयर है और इसने 7 बच्चे निकाले हैं, और फिर दोबारा माशाल्लाह अंडे दे दिए हैं, और इसके बच्चे भी सेपरेट होने वाले हो गए, और इसके अंडे भी माशाल्लाह जो है दोबारा से आ गए। इस तरीके से जो है ना ये मेरा वाइट का पेयर है, इसने भी माशाल्लाह 5 चिक निकाले हुए हैं, ये बच्चा एक निकल गया, ये भी माशाल्लाह 7 बच्चे निकालने वाला पेयर है, और इसकी भी जो है ना माशाल्लाह से जो इसने भी जो है ना 7 बच्चे निकाले थे, 2 बच्चे ट्रांसफ़र हुए, 5 बच्चे खुद पाल रहा है। और अक्सर क्या होता है कि आखिरी के जो एक दो बच्चे होते हैं ना 6 और 7 में, वो सही ग्रोथ नहीं ले रहे होते, तो हम उनको जो है ना ट्रांसफ़र करके दूसरे जोड़ों के नीचे ले आते हैं। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं सारे अंडे फर्टाइल नहीं करते, जो यंग जोड़े लगाए होते हैं नए होते हैं, वो 2 अंडे 1 अंडा फर्टाइल करते हैं, तो हम उनके नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे, ये ज़रूरी होता है, तो ताकि बच्चे सारे बच जाएँ, मर ना सकें। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बहुत प्यारा यंग पेयर है फॉर्म का, इसने इस साल पहली परफॉर्मेंस स्टार्ट की है, या मेरे ख्याल दूसरी परफॉर्मेंस, हाँ सॉरी, इसके पहले बच्चे ट्रांसफ़र हो चुके हैं 4 बच्चे, और लिखा हुआ है 16/12 को। अब ये इसका दूसरा क्लच आ गया, देखें ये इसकी पहचान होती है खाते की। अब 4 चीज 16/12 को ट्रांसफ़र हो गया, अभी इसका 21/1 को पहला बच्चा निकला था, अब इसने माशाल्लाह हाँ 2 बच्चे और निकाल दिए हैं, बल्कि 3 बच्चे और निकाल दिए हैं, तो अब हाँ माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए। अब जहाँ पर वो एक बच्चा ग्रे का था, हम ये 3 बच्चे वहाँ ले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये ट्रांसफ़र का सिस्टम होता है, जिससे जो है ना आप अच्छे जोड़े को जो है ना ज़्यादा बच्चे ले लेते हो। अब ये बच्चे क्योंकि महंगे हैं इस वक्त, ये फ़ोन की ज़रा ज़्यादा डिमांड है, तो अब हम इन बच्चों को वहाँ ले जाएंगे, वो 2 बच्चे उठा के फिर किसी और के साथ मैच करेंगे, ताकि जो है ना ये बच्चे हमारे लिए जो है ना सर्वाइवल भी इनका सही होता है ग्रे के नीचे, ग्रे बहुत अच्छा पालता है, और जो है ये बच्चे भी जो हैं वो सही रहते हैं। आप देखें यहाँ पर जो बच्चे हमने रखे थे, अब इनके साथ इसको मैच करेंगे, तो वो 2 बच्चे जो हमने अलग जगह से उठाए थे वो उठा लेंगे, दोनों अल्बिनो, और ये 3 छोड़ देंगे। अब इन 2 बड़े बच्चों को लिए हम जो है ना कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे कि ज़रा अच्छी जगह। अब ये 2 जो बच्चे जो है ना, ये 2 बच्चे जो हमने ग्रे से उठाए थे, हम फिलहाल इनको ग्रे के नीचे ही रखेंगे, और इसके लिए जगह ढूंढेंगे, ताकि ये जो है अब ये बच्चे यहीं रहेंगे, ठीक है ना। उसके 6 बच्चे लिखे हुए हैं, हम इसके 2 बच्चे जो हमने लिखे थे वो मिटा देंगे, कि हमने ट्रांसफ़र किए थे मिटा दिया। अब जो है हम इसके नीचे जो है ना, क्योंकि 2 बच्चे हम ट्रांसफ़र करके लेके आ गए, तो हम इसके खाते के अंदर जो है वो एंट्री कर देंगे, क्योंकि वो 3 बच्चे आना ज़रूरी है। तो अब जैसे यहाँ पर 1C इसका अपना बच्चा था, और T3C हमने लेके आ गए, और आज 25 वो कर दिया। अब यहाँ 4 बच्चे हो गए, तो हम यहाँ 4 बच्चे लिख देंगे। अच्छा, अब ये कमल हमने कर दिया, अब इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ताकि हम इसको 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आके चेक करें कि आया इसने बच्चों को भराया या नहीं भराया, मतलब बच्चों को फीड कराई या नहीं कराई। अगर तो करा ली तो वेल एंड गुड, नहीं कराई तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, या जोड़ा बैठ गया या नहीं बैठा। अब हमने ये चीज़ अमल करने के बाद हम इससे मूव हो जाएंगे, इसको रिलैक्स देंगे कि भाई ये अपनी जो है ना बच्चों को संभाले। अब देखना ये होगा कि बच्चे जो है वो ये संभालता है नहीं संभालता, और वहाँ पर जो है ना हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना इसका रिकॉर्ड पता हो कि हमने इसको बच्चे ट्रांसफ़र किए थे। अब हम इसका जो ऊपर का लिखा हुआ है वो मिटाएंगे, ये सिर्फ लेबर के लिए होता है, और हम यहाँ लिखेंगे 3CT, और यहाँ डेट डालेंगे 25/1, और इसको नेस्टिंग जो है ना वो देंगे, ताकि ये फ्रेश नेस्ट बना ले। अब हम नेस्टिंग के लिए जो है ना वापस अपने नेस्टिंग के उसमें जाएंगे, जहाँ हमारी नेस्टिंग रखी होती है, तो नेस्टिंग ये रही, तो ये नेस्टिंग जो है ना हम ये फ्रेश जो है वो लॉन ग्रास जो है वो अपने सोसाइटी के पार्क के लॉन से निकाल लेते हैं,
और फिर हम इसको जो है ना थोड़ा सा 5-7 दिन हल्की सी धूप लगा लेते हैं सर्दियों में, ताकि थोड़ी सी इसमें से नमी ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसको इस तरीके से ये निकाल के और इसको हम नेस्टिंग दे देंगे। अब ये अपने उसमें ये नेस्टिंग ये बना लेगा। तो नई नेस्टिंग देने से जोड़े में जो है ना एक स्टिमुलेशन आती है, और वो उस स्टिमुलेशन की बुनियाद के ऊपर जो है ना ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये मोटिवेशन होती है। अब जैसे देखें यहाँ पर गौर से अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ था 16/12 NST, ठीक है ना। अब हमने इसको मिटाया और अब हमने लिख दिया NST 25/1, ताकि हमें याद रहे कि हमने किस तारीख को नेस्टिंग दी है। और जब इसका ये दाने का भीगे दाने का बर्तन है, ये भी हम चेंज करके इसको छोटा बर्तन लगा देंगे, ताकि इसको जो है ना भीगा दाना कम लगे, ज़्यादा भीगा दाना ना लगे, वरना क्या होगा कि जो है ये भीगा दाना अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर ये जोड़े का पेट भी ख़राब हो सकता है। और हमारे पास यहाँ माशाल्लाह बच्चे निकले हुए, ये खा रहे हैं, देखें खा गए, हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे भीगा दाना। और ये बर्तन क्योंकि एक आधा पिंजरा हम खाली रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो ये इसको यहाँ कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये नोटिस वाली होती हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं फार्म में मैनेजमेंट के लिए, आपने उनको चेक करना होता है। अब माशाल्लाह इस फोन जोड़े के भी जो है ना 4 बच्चे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फोन जोड़ा भी ना बहुत अच्छी क्लास का जोड़ा है फोन पाइट, इसके भी 4 बच्चे माशाल्लाह आ गए। ये जोड़ा अगर कैमरे की आँख इसको फोकस कर सके तो मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, और ये बड़ा मतलब अलग ही कलर का जोड़ा है मेरे पास, और इस जोड़े की भी जो है ना क्वालिटी आम जोड़ों से चेंज है। ये मेरे घर का ही है, ये भी देखें ये जोड़े का कलर और क्वालिटी देखें, इसका लाइट फोन कलर है और पाइट सेक्टर के अंदर है, ये देखें कितना खूबसूरत इसका ये फीमेल है, सही है ना। इसी तरीके से इसका मेल दिखाता हूँ आपको, ये भी बहुत ज़बरदस्त कलर का पीस है, और ये अल्बिनो स्प्लिट भी होंगे, और इनके देखें ना ऊपर से बॉर्डर अलग है, नीचे से अलग है, इसका कलर बना रहा है, ये देखें, ये देखें ये कलर। ये ओपल के जोड़े जो हैं हमने आउट क्रास करने के लिए उसमें कुछ फॉन कुछ ग्रे डाले हैं, ताकि इनके कपल आउट क्रास हो जाएं और इस साल इनके स्प्लिट बना के दोबारा से इनको जनरेशन पे लाया जाए। अब ये ओपल के जोड़े हैं और इनके साथ हमने कुछ फॉन ग्रे के एक दो पीस मादाएं डाली हैं, जैसे जैसे नर पकड़ते रहेंगे हम उनको अलग करके वहाँ लगाते रहेंगे। तो लास्ट जनरेशन के अंदर मतलब आखिरी क्लच के अंदर हम ओपल के ब्लैक और फॉन से आउट क्रास करके इनके स्प्लिट बना लेंगे, और हम देखेंगे क्या परफॉर्मेंस आती है, ये क्या उनके साथ काम्बो ब्रीड बनाता है या अपने स्प्लिट बनाता है। ये माशाल्लाह ओपल के 7-8 मेल हैं, और इनके साथ मैंने फॉन की और ग्रे की और वाइट की फीमेलें छोड़ी हुई हैं, और एक एक करके ये उनको पकड़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला करीब इनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको इनके रिजल्ट भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ बच्चे मैंने फर्स्ट के क्लच के रोक लिए थे, अब ये मोल्ड पे आना शुरू हो गए। इसमें मैक्सिमम अल्बिनो है और कुछ फॉन है, एक दो मेरे ख्याल कोई ओपल भी है, और ये बच्चे अब माशाल्लाह नए सीज़न में आके ब्रीड करेंगे। इनको रोक के फिर इनसे सबसे ब्लैक आई बर्ड डालूंगा, और इनका साइज़ भी डेवलप करूंगा, इनसे क्वालिटी की प्रोडक्शन भी लूंगा, और इनके स्प्रिट भी बनाऊंगा। तो ये अगली जनरेशन के लिए बच्चे कुछ रोके हैं इंशाल्लाह, देखते हैं अब ये क्या रिजल्ट देते हैं आने वाले सीज़न के अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे की कॉलोनी है, और इसमें भी जो है ना ग्रे के चंद जोड़े हमने छोड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब जोड़े ब्रीड पे आ गए हैं, और कुछ के हमने बच्चे भी कैच कर लिए, अलग कर लिए हैं। ग्रे में बहुत आसानी की बात ये होती है कि ग्रे का बच्चा जैसे ही सेपरेट होता है ना, बड़ा होता है, हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं। वाइट के अंदर इतनी आसानी से ग्रे बच्चा जो है ना डिटेक्ट नहीं हो पाता। अब देखें ना ग्रे के सारे जोड़े हैं, इनमें एक दो बच्चे जैसे बाहर आए हैं, जैसे अब ये सामने बच्चा बैठा हुआ है ये बाहर आ गया है, आप देखें ना ग्रे का बच्चा जैसे ये बाहर आ गया काली चोंच का, जरा सा इसकी चोंच सेट होगी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ग्रे में ये बड़ा फायदा होता है कि आप बच्चे को फौरन पकड़ सकते हैं। अब एक बच्चा वो पीछे बैठा हुआ है, 3-4 बच्चे निकले हैं, और देखें ग्रे में ना ग्रे को शावर चाहिए। अब देखें शावर ले रही है, अगर आप कैमरे को नीचे लेके जाएंगे तो जो है ना बर्ड ने शावरिंग स्टार्ट कर दी है। आप जब भी पानी लगाते हैं बर्ड शावर लेना शुरू कर देता है। जावा को शावरिंग बहुत जरूरी है, जितनी जावा नहाती है ना उतना ज़्यादा खुश होती है। अब देखें कितने शौक से नहा रही है, तो जावा को जो है ना बस नहाने का शौक है, जावा को हर वक्त पानी चाहिए। हालांकि मौसम ठंडा है इस वक्त, लेकिन फिर भी जो है ना ये नहा रही है, और आजकल क्योंकि बहुत अच्छा भुट्टा आ रहा है तो हम उसको भुट्टा भी डालते हैं। तो बच्चों वाले जोड़े जो है वो भुट्टे को बड़े शौक से खाते हैं, और देखें भुट्टे डालने पर जो है ना उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, और फीमेलें जो है निकल के आ गई हैं और भुट्टे में चोंचे मार मार के उसका रस चूस रही हैं। तो ये भुट्टा भी जो है ना फीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है जावा की। जावा को हम कहते हैं नरम भुट्टा डाल देते हैं, और उसकी मादाएं जो है ना नोच नोचे खाती हैं। आप देख रहे होंगे कितने शौक से खा रही हैं।
यही अमल हम कोशिश करेंगे कि वाइट में दिखाएं, लेकिन वाइट जावा हमारे साथ इतनी फैमिलियर नहीं है क्योंकि वो ऊपर लगी हुई है तो वो जरा वाइल्ड हो गई है। ग्रे जावा फैमिलियर हो गई है कि हर वक्त हम यहाँ बैठ के काम करते हैं, मेरे काम के जो मेरे वर्कर्स हैं वो यहीं बैठ के खाना खाते हैं, इनके सामने यहीं बैठ के जो है ना भुट्टा काटते हैं, यहीं बैठ के भीगा दाना बनाते हैं, सारा कुछ यहीं करते हैं, तो ये यूज्ड टू हो गई, इतनी डरती नहीं है, हम इनके इतने करीब बैठे हुए हैं तो इनको कोई खौफ नहीं है। लेकिन वो वाइट जावा जरा ऊपर लगी हुई है साइड में तो वो थोड़ी सी घबराती है। अब देखें ना ये भुट्टे के हमने अभी एक छल्ली निकाल के डाली है तो माशाल्लाह जो है ना वो फीमेलें आ गई हैं और अपना जो है ना शेयर लेना शुरू कर दिया उन्होंने और अपने बच्चों को फीडिंग करा देंगी। तो ये थी हमारी ग्रे जावा। इंशाल्लाह ताला ज़रा वेदर चेंज हो जाएगा तो हम इनके बॉक्स की चेकिंग करेंगे तो आपको हम चेकिंग भी दिखाएंगे। ये ग्रे जावा की कॉलोनी है हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ब्रीड है और माशाल्लाह बच्चे जो है ना इनके काफ़ी मैंने सेपरेट किए हैं, अभी भी माशाल्लाह बॉक्सेस में बच्चे अल्लाह ताला के फल्लो करम से भरे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला अन करीब जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उनको भी मैं कुछ दिन में सेपरेट कर दूंगा। ये मैं वीकली जो है जैसे बच्चे निकलते रहते हैं, आज ग्रे जावा के बच्चे बड़े आसानी से पकड़े आते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, अभी भी एक क्लच के 5 बच्चे आ गए बाहर तो मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं इन करीब जो है ना इनको भी कैच कर लूँगा, बल्कि मैं आपके सामने कैच भी करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मेरे ख्याल अब ये पकड़ने के काबिल हो गए। ये देखें हमने ग्रे जावा के बच्चे की कैचिंग करी है, बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि कैच कर ली जाएँ और बड़ा आसान रहता है इनको कैच करना क्योंकि इनका जो है ना वो कलर की वजह से जो है ये इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। इस 5 बच्चे से 5 का बच्चा भी देख लेते हैं गोरा। ये देखें ये मैंने जो है ना एक बच्चा उड़ गया, इंशाल्लाह इसको पकड़ लेंगे। ये बच्चे ग्रे जावा के बच्चे हमने सेपरेट किए हैं ग्रे जावा के, ठीक है ना, अब इसको अलग खाने में डाल के इसको दाना पानी और बर्तन लगा देंगे। अब देखें हमने अगर 5 बच्चे निकाले ना, हम यहाँ लिखेंगे 25 तारीख 1 को हमने जो है ना ऐसे 5 बच्चे निकाल लिए हैं। ये रिकॉर्ड लिखना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले आपकी एवरी में आउटपुट इनपुट क्या है, कितने बच्चे कैच हो रहे हैं, कितने बच्चे निकाले जा रहे हैं। आपको अपनी कॉलोनी के अंदर सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, जैसा कि अभी हमने डाला है, अगर कैमरा ऊपर होकर देख सके। कॉलोनी के अंदर आपको लूसन के पत्ते लाजमी डालने हैं, भीगा दाना डालना है, भुट्टा डालना है, ठीक है ना, और इस तरीके से हर हफ्ते आप इसमें नेस्टिंग डालेंगे। जब आप ये नेस्टिंग फेंकेंगे तो ये नेस्टिंग जो है ना ये उठा उठा के ले जाएंगी, तो नेस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है जावा के लिए। वीकली आप उसको नेस्टिंग डालते रहें जब वो ब्रीडिंग पे आ जाए और अपने बच्चे निकालना शुरू कर ले, वीकली उसको चेक करते रहें, उसके अंडे बच्चे उनका साइज उनकी साइजिंग, तब आप कामयाब रहेंगे। जावा को बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड बराबर की मिला के दें। सॉफ्ट फूड के अंदर चावल बॉयल करके उसमें अंडा बॉयल, उसके अंदर झींगा, उसके अंदर चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी मैश करके अच्छी तरीके से, और अगर बहुत सख्त सर्दी का अटैक हो रहा है तो कॉड लिवर ऑयल, ये सॉफ्ट फूड में मिला के देंगे, जावा अच्छी ग्रोथ करेगी। कभी कभी उसको हम जो है ना भुट्टे पे भी ले आते हैं, आजकल भुट्टा बहुत अच्छा आ रहा है तो हमने उसको भुट्टे पे हिला लिया है। लूसन के पत्ते उसकी फेवरेट खुराक है, लूसन के ऊपर के साइज के पत्ते आप तोड़ के उसको डालें और वो उसको जो है ना नोच नोच के खा जाएगी, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जावा को देने से जावा बड़ी हेल्दी रहती है, बड़ी एनर्जेटिक रहती है और बच्चों को बहुत अच्छा पालती है। आपके सामने देखें कि इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इसमें पहली क्लच दूसरे क्लच के बच्चे चंद जोड़ों से ढेर हो गया है और काफ़ी बच्चे तो जो है ना वो इस साइड पर बैठे हुए हैं जहाँ हम जो है ना पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, और ये अगर इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी पट्ठे बैठे हुए हैं और हर जोड़े ने माशाल्लाह 6-6, 7-7 बच्चे जो है वो जो है ना ब्रीड कराए। आज ही हमारी जावा का इंट्रो था, इंशाल्लाह ताला हम जावा की वर्किंग परफॉर्मेंस को फर्दर आपसे शेयर कराते रहेंगे और उसके बाद आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर बनाई जा रही है, इंशाल्लाह ताला जल्द आने वाली है हमारी नई वीडियो। हमारा चैनल डॉक्टर सैयद सऊद अरशद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कराइए।